नमस्कार, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ एक केक रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इस केक रेसिपी में ना ही मैं मैदा का यूज़ करने वाली हूँ, ना ही इसे मैं बेक करने वाली हूँ। कोई मिल्क यूज़ नहीं होगा, कोई एग यूज़ नहीं होगा। बस दो इंग्रेडिएंट के साथ आज हम फटाफट बना के रेडी करने वाले हैं केक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। तो यहाँ पे मैं बर्बन का बिस्किट ले रही हूँ, एक पैकेट बड़ा वाला। आप चाहें तो कोई भी चॉकलेट बिस्किट यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, तो वो कोई सा भी आप ले लें। ओरियो भी ले सकते हैं, कोई सा भी ले सकते हैं। और दूसरा इंग्रेडिएंट हमारा है यहाँ पे वनीला आइसक्रीम। मैं यहाँ पे आइसक्रीम का यूज़ करने वाली हूँ, मैं अमूल का ले रही हूँ। आप कोई सा भी ले सकते हैं, कोई भी फ्लेवर भी ले सकते हैं। तो बस दो इंग्रेडिएंट से आज हम फटाफट बनाने जा रहे हैं केक, है ना इंटरेस्टिंग। ये बस दो इंग्रेडिएंट यूज़ करेंगे हम यहाँ पे। गार्निशिंग सिंह के लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ चॉकलेट के शॉट्स, और थोड़ा सा मैं यहाँ पे ईटेबल स्प्रिंकल्स का भी यूज़ करूँगी। ये दोनों इजीली अवेलेबल होता है मार्केट में। अगर आप ना चाहें तो आप जेम्स भी डाल सकते हैं, अगर आप चाहें तो आप चेरी भी यूज़ कर सकते हैं। जो भी जैसा भी आपको पसंद हो वैसा आप कर सकते हैं। तो बस दो इंग्रेडिएंट के साथ हम स्टार्ट करते हैं आज बनाना। तो यहाँ पे सबसे पहले बिस्किट ले लें, और बिस्किट को हमें क्रश करना है। अगर आपके पास कोई जिप लॉक बैग नहीं है तो आप पॉली बैग यूज़ कर सकते हैं, इस तरह का पॉली बैग आता है। बस आप पॉली बैग को अच्छे से क्लीन कर लें, उसके बाद इसके अंदर हम डाल देंगे बिस्किट्स। ये जो बिस्किट्स है ना, ये सारे इसके अंदर डाल देंगे हम इस तरह से। उसके बाद हम बेलन की सहायता से इसे हल्का हल्का हमें क्रश करना है, बहुत ज़्यादा क्रश, बारीक क्रश नहीं करना है इसे, और ना ही हमें इसे मिक्सी में ग्राइंड करना है। हमें हल्का हल्का क्रश कर लेना है। देखिए इस तरह से इसे क्रश करके रेडी कर लेना है। अब आप एक कोई भी केक टिन ले लें, या आपके पास कोई भी कटोरा हो उसमें भी आप कर सकते हैं। कोई भी बर्तन ऐसे राउंड शेप का हो ना, उसमें भी आप बना सकते हैं। तो ये मैं ले ली हूँ, इसमें एक लेयर मैं डालने वाली हूँ यहाँ पे बिस्किट्स की, जो हमने क्रश करके लिया था ना, वो एक लेयर अच्छे से स्प्रेड कर देंगे बिल्कुल इस तरह से। आप चाहें तो बटर पेपर नीचे लगा सकते हैं, नहीं चाहें तो नहीं भी लगा सकते हैं। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि एकदम लगाना ही है। उसके बाद इसके ऊपर मैं आइसक्रीम, जो हमने आइसक्रीम लिया था ना, वो यहाँ पे स्प्रेड कर देंगे इवनली। जब भी आप आइसक्रीम निकालें ना, तो स्पून को डिप कर दें एक बार पानी में, तो ईजिली निकल जाता है वो। इस तरह से इवनली पूरा स्प्रेड कर दें आइसक्रीम को, बिल्कुल इस तरह से। इसके बाद एक लेयर हम और बिस्किट्स के डालेंगे। तो चलिए एक लेयर और बिस्किट्स के डाल देते हैं, अच्छे से स्प्रेड कर देते हैं बिल्कुल इस तरह से। इसके ऊपर से मैं एक लेयर और आइसक्रीम के डालने वाली हूँ। आप चाहें तो दो लेयर में डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर के भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक लेयर और डाल दी हूँ, उसके बाद चॉकलेट शॉट्स जो आता है ना, उससे थोड़ा सा गार्निश कर दी हूँ, और साथ ही साथ मैं स्प्रिंकल्स भी यहाँ पर स्प्रेड कर दी हूँ। जैसा भी आप इसे सजाना चाहें वैसे सजा सकते हैं। ये देखिए, ये बिल्कुल बनकर रेडी हो चुकी है। लेकिन अभी आप इसे रख दें फ्रिज में 2 घंटे के लिए, जब भी सर्व करना हो इसे निकाल के कट करके खाएं, बहुत ही मज़ेदार लगता है। अगर आपको मेरी ये केक की रेसिपी पसंद आती है ना, तो प्लीज़ मेरे चैनल नीधि किचन लाइफस्टाइल को सब्सक्राइब कर दें। पास ही दिखेगा एक बेल बटन, उसे दबाना ना भूलें, ताकि मेरी आने वाली रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन आप तक।